बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 है, पेज नंबर 236 पर मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज का। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। पहला एमसीक्यूज है आपके पास, द जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन इज वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या होगा वो देखिएगा। एनसीआर को लिखने का एक तरीका ये भी होगा, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्यूशन में ए प्लस एक्स की पावर एन बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर। फर्स्ट टर्म जो होती है ए, एन माइनस आर करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है यहाँ पे बी, बी की पावर आर कर देते हैं, यानी कि एक्स की पावर आर, तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। दूसरा एमसीक्यूस, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर टू एन आर, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये ट्रिक मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि बायनोमियल एक्सपेंशन में जितनी पावर होती है इससे एक टर्म ज़्यादा होती है। अगर पावर टू एन है तो प्लस वन का इजाफा करते हैं तो टू एन प्लस वन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यूस, इन द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, तो देखिए क्या ए ऑप्शन क्या कह रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम एन टू ज़ीरो, इंक्रीजेस फ्रॉम ज़ीरो टू एन और रिमेन्स एन एवरीवेयर बिकम्स ज़ीरो एट द एंड। तो याद रखिए कि आपके पास जो सेकंड टर्म होती है ना, जिसे हम अमूमन ए प्लस बी की पावर एन कहते हैं, यहाँ पे एक्स दे दिया उसने, तो एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब पावर, तो वो इंक्रीज करती है फ्रॉम, बढ़ती शुरू होती है ज़ीरो से लेके एन तक, यानी कि जो पावर होती है उस तक जाती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट, इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो टू एन। चौथा एमसीक्यूस, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर टू एन, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर बायनोमियल थ्योरम की पावर इवन होगी तो इसकी एक मिडिल टर्म होगी और इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ये मैंने ट्रिक लिख दिया है, एम टी मिडिल टर्म इज इक्वल टू एन प्लस टू अपॉन ट्वेल्थ टर्म। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर पावर आपको सवाल में जो दी गई है वो टू एन है, टू एन जो क्या है, टू का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इवन नंबर है, तो आप इस फॉर्मूले में एन की जगह रख दोगे टू एन, तो बेटा टू एन प्लस टू अपॉन टू, टू कॉमन निकाल के टू से कैंसिल कर दिए, क्या बचा एन प्लस वन टर्म, तो इसका मतलब मिडिल टर्म तलाश करें, यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एन प्लस वन टर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू, पांचवा एमसीक्यू से कह रहे द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस टू एक्स की पावर एन इज, क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, सेकेंड लास्ट टर्म होगी। अब जरा इसको, इसका सोल्यूशन जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं, ए प्लस टू टू एक्स की पावर एन इज बायनोमियल एक्सपेंशन में पहली टर्म एक्स के बगैर दी गई है, इसलिए एक्स की इंडिपेंडेंट वाली टर्म फर्स्ट टर्म होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म है, द कोफिशंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू माइनस एक्स की पावर सेवन क्या होगी, तो देखिए जब लास्ट टर्म का क्वेश्चन क्या होगा, माइनस वन होगा, क्योंकि टू माइनस एक्स की पावर सेवन है, तो आखिर में आएगा अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस आखिरी में माइनस आएगा, एक्स की पावर, ये बी है ना, बी की पावर एन, तो माइनस होगा, माइनस वन कोफिशिएंट बन जाएगा। सातवां एमसीक्यूस, इन द एक्सपेंशन ए प्लस वन अपॉन टू की पावर सेवन द नंबर ऑफ मिडिल टर्म इज आर, कितनी होंगी, दो टर्म होगी, क्योंकि पावर क्या है सेवन, और नंबर है, और पावर होगी तो मिडिल टर्म दो होंगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
इसके बाद है आठवां एमसीक्यू, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स की पावर एन टू की पावर एन होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वैसे मैंने ये लंबा करके दिखा दिया है, मगर जो है आप जो है इसको, इसके ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जब भी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहेगा इन द एक्सपेंशन, तो वो टू की पावर एन के बराबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं। वैसे अगर आपका एक्सपेंशन ये होगा ए प्लस एक्स की पावर एन, तो इसको आप जब ब्रेक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो वो क्या होगा, एन सी जीरो ए की पावर एन एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू जाएगा प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो एक्स की पावर एन। इक्वेजन नंबर वन की बात करेंगे हम, पुट ए इजिकल टू वन, ए इजिकल टू वन और एक्स की वैल्यू भी वन पुट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे वन प्लस वन क्या हो गया, टू हो जाएगा। अब देखिए सारी जगह मैंने ए की जगह वन और एक्स की जगह वन डाला, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो लेके आऊँगा वो ये लेके आऊँगा, टू की पावर एन इजिकल टू एन सी जीरो एन सी वन। देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट देखें ऑड नंबर है, एन सी जीरो एन सी वन ये इवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इवन और ऑड क्योंकि बराबर ही होते हैं हमारे पास, और इसी वजह से यहाँ पे टू की पावर एन आएगा। तो बस आपने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखना है इसको। अब नाइन्थ एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं हम। नाइन्थ एमसीक्यू आपके पास नजर आ रहा है, एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस वन इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, टू की पावर एन प्लस वन के बराबर होगा। अब जरा देखिएगा इसको, हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू एन सी एन तक टू की पावर एन के बराबर होता है। तो बस अब आपने क्या करना है कि एन की जगह एन प्लस वन डालना है, तो एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टू की पावर एन है तो टू की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर टू की पावर एन प्लस वन के बराबर है। अब आपके पास दसवां एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन थ्री इस, तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज में पहली टर्म वन होती है और इसमें अगर पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, इन्फिनिटी। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, ये इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैंने इसका सॉल्यूशन लिख भी दिया है, बाइनोमियल सीरीज वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब सो ऑन। जब बाइनोमियल सीरीज में पावर रैशनल नंबर या नेगेटिव नंबर हो तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ग्यारहवां एमसीक्यू, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन, इसको बाइनोमियल सीरीज में बंद करके दिखाना है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है और अक्सर बेशतर रिपीट होता है एग्जाम में। अब देखिएगा इसका ट्रिक, अगर आपके पास अल्टरनेट साइन होंगी प्लस माइनस की, तो ये बाइनोमियल सीरीज है, इसको बाइनोमियल सीरीज में बंद करना है। तो आप इसका ट्रिक देखिएगा, पहला टर्म हो जाएगा वन, दूसरा टर्म क्या है एक्स लिखिएगा, अगर माइनस है तो बीच में प्लस लगाएगा, और ये जो कोफिशिएंट है ना एक्स के साथ माइनस वन, तो इसको पावर बना देगा। ये बाइनोमियल थ्योरम में बंद हो गया, अब ये बाइनोमियल सीरीज में बंद हो गया और ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन इसका आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बारहवां एमसीक्यू, द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू इज वैलिड, कब वैलिड होगा। तो देखें वन माइनस टू एक्स है, यहां पर ऑप्शन में से एक्स की वैल्यू डालकर सॉल्व करेंगे और आंसर वन से लेस देन होना चाहिए। बी ऑप्शन उठाएंगे, एक्स लेस देन हाफ, अब अगर एक्स की कीमत हाफ यानी 0.5 से कम लें यानी 0.4 ले लें और पुट करें तो आंसर वन से लेस देन आना चाहिए। अब ज़रा और से देखिए, वन माइनस टू एक्स है, अगर मैंने वन माइनस
एक्स की कीमत 0.4 ले ली, तो 1 माइनस इसको सॉल्व करके देखूंगा 1/5, 1/5 जो होगा 1 से क्या होगा, लेस देन होगा, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जो एक्स होगा वो लेस देन 0.5 होगा। 13वां एमसीक्यूस, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इज, क्या होगी मिडिल टर्म? अब देखें यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रहा है वो एन प्लस 2/+1 टर्म है, ये इवन नंबर का फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे इसका 2 × 2 तो एन प्लस 2/2, ये फॉर्मूला किसका है, ये इवन इवन पावर वाले मिडिल टर्म को निकालने के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 14th MCQs, in a plus 1/a की पावर 8, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस किसके बराबर होगा? तो आप देखेंगे हेयर n की कीमत 8 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, बस n की जगह 8 डाल दें, 2 की पावर 8 क्या होगी, 256 होगा, और c ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आजकल इस किस्म के भी MCQs एग्जाम में आने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सब सोल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।